प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आप सभी का हमारे YouTube चैनल अकेडमिया अम्बाला में स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वचन बदलो। इस चित्र में आप क्या देख पा रहे हैं? जी हाँ, इस चित्र में आप देख पा रहे हैं एक सुंदर सी तितली, और इस चित्र में बहुत सारी प्यारी प्यारी तितलियां। यह चित्र है एक सुंदर से बच्चे का। एक प्यारा सा बच्चा इस चित्र में हमें दिखाई दे रहा है, और इस चित्र में बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हमें दिखाई दे रहे हैं। यहां हमें एक लड़का और दूसरी तरफ बहुत सारे लड़के दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमने देखा एक तितली को, फिर देखा अनेक तितलियों को, उसके बाद एक बच्चा, फिर अनेक बच्चे, अब एक लड़का और अनेक लड़के। अब एक और अनेक की परिभाषा को समझते हैं। वचन बदलो। वचन से किसी वस्तु या व्यक्ति के एक या एक से अधिक होने का बोध होता है। वचन बदलो के दो भेद होते हैं। एक वचन, जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के एक होने का पता चलता है, उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे एक लड़का, जो कि आप चित्र में देख पा रहे हो। बहुवचन, जिस शब्द से वस्तु या व्यक्ति के अनेक होने का पता चलता है, जैसे अनेक लड़के, जिन्हें आप चित्र में देख पा रहे हो। एक तोता, अनेक तोते। एक लड़की, अनेक लड़कियां। आओ बच्चों, अब एक वचन से बहुवचन तक जाने के नियम को समझते हैं। नियम एक, आ की मात्रा को ए की मात्रा में बदलना। आइए अब इन नियम को हम एक उदाहरण से समझें। केला, केले, आ की मात्रा को ए में बदल दिया। पौधा, पौधे, आ की मात्रा को ए में बदल दिया। एक वचन को बहुवचन में बदल दिया। नियम दो, बड़ी ई की मात्रा को छोटी ई की मात्रा जमा या में बदलना। आइए देखें इसके कुछ उदाहरण। थाली, थालियां, तितली, तितलियां। बड़ी ई की मात्रा को छोटी ई की मात्रा जमा या में बदल दिया। आओ बच्चों, अब इन दोनों नियमों को दोहरा लेते हैं। गमला, गमले, ताला, ताले, चूहा, चूहे, खीरा, खीरे, तितली, तितलियां, छतरी, छतरियां। अब हमने इन दोनों नियमों को दोहराया, तो एक बार अब मैं आपसे पूछती हूँ, आ की मात्रा को हम किस में बदलते हैं? सोचो, सोचो, आ की मात्रा को हम ए की मात्रा में बदलते हैं, और बड़ी ई की मात्रा को किस में बदलते हैं? बड़ी ई की मात्रा को छोटी ई जमा या में बदलते हैं। बच्चों, इन नियमों का घर पर बार बार अभ्यास करें। धन्यवाद।